आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. आप सभी का स्वागत है संदीप ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में. मैं आज आपको मध्य प्रदेश के जो प्रसिद्ध स्थल हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ. मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख शहर हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में धरोहर के रूप में पंजीबद्ध किया है. उनके प्रमुख नाम इस प्रकार है. पहला है खजुराहो, दूसरा है सांची और तीसरा है भीमबेटका की गुफाएं. हम अब खजुराहो मंदिर पर आते हैं. खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेल शासकों द्वारा 11वीं से 12वीं ईस्वी में हुआ था और ये जो खजुराहो है वो छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है. इसकी जो प्रमुख जो बातें हैं इसके सामने ये आती हैं कि खजुराहो में जो पत्थर पर उत्कीर्ण जो मूर्तियां हैं, कुछ मूर्ति नृत्य का प्रदर्शन करती हैं, कुछ काम क्रीड़ा का प्रदर्शन करती हैं, कुछ रति क्रियाओं पर निर्भर मूर्तियां हैं. ऐसा खजुराहो इसका प्रमुख दर्शनीय स्थल है. खजुराहो का जो आया है प्रकाश में वो 1986 को जब यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में इसको सम्मिलित किया गया तब आया है. इसमें पहले 88 मंदिर ऐसे आते थे परंतु वर्तमान में सिर्फ 22 मंदिर यहाँ पर बचे हुए हैं. इसके अंतर्गत जो प्रसिद्ध स्थल और खजुराहो मंदिर में आते हैं वो कंदरिया महादेव मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, मतंगेश्वर महादेव मंदिर है, घटाई मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है, दूल्हादेव मंदिर है. इसके तहत एक और फैक्ट ये आता है कि खजुराहो में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो खजुराहो में ही है जिसका नाम है महाराजा छत्रसाल हवाई अड्डा और ये खजुराहो की पूरी विशेषता हो जाती है. तो विश्व विरासत स्थल की सूची है उसमें सांची का प्रमुख स्थान है क्योंकि ये एक अध्यात्म और बौद्ध की प्रमुख स्थली के रूप में है. सांची जैसा कि हमें पता है रायसेन जिले में स्थित है और इसका जो निर्माण कराया था वो 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने कराया था. इसकी जो खोज हुई है 1818 में जनरल टेलर द्वारा की गई है और इसके बाद में हमें मतलब सांची को 1989 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है. सबसे ज्यादा ये जानने योग्य बातें हैं यहाँ पर जो सांची में जो सारिपुत्र तिश और महामोद गलायन की अस्थियां अवस्थित हैं, संरक्षित हैं. इसमें 2017 को डिमोनिटाइजेशन के बाद में जो नए नोट आए थे 2200 के उसमें सांची का जो स्तूप है उसका चिन्ह यहाँ पर कर लिया गया. तो इस प्रकार सांची कम्प्लीट हुआ जो कि रायसेन में स्थित है और इसका जैसे कि नाम से हमको स्पष्ट हो रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश की प्राचीनतम संस्कृति की प्रतिनिधित्व करती है. यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गुफाएं हैं जिनकी संख्या 500 से अधिक है. इसमें आदिमानव ने अपने दैनंदिनी की जो प्रक्रियाएं हैं चाहे वो घुड़सवारी हो चाहे वो कैसे वो जीवन व्यतीत करते थे वो सब भीमबेटका की गुफाएं में हमें आज भी उत्कीर्ण मिलती है. इसकी खोज जो है 1957-58 के मध्य डॉक्टर विष्णुधर वंकणकर ने की थी और इसके बाद 2003 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में इसको सम्मिलित कर लिया गया. ये है हमारी भीमबेटका की गुफाएं.